हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। मेडिकल साइंस को चुनौती देते ये वही बाबा हैं, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के मामले में ये बयान दिया था। हमारे लिए सेकंड भर का काम था सूजन खत्म करना राजू की, लेकिन वहाँ डॉक्टर एम्स पेम्स डैम्स जेम्स लगे पड़े हैं। लेकिन दरबार में आने वाले लोग मानते हैं, यहाँ आकर उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। केवल 3 बार उम्र में शिवाय बुलवाकर मेरे नेत्रों में प्रकाश आया था। आज दैनिक भास्कर की सीरीज पंथ में देखिए, कानपुर से 18 किलोमीटर दूर बसे श्री करौली सरकार धाम की कहानी। मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हर दिन बीमारियों को लेकर नई से नई रिसर्च सामने आ रही है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे आश्रम हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। यहां आए लोगों ने खुद अपनी परेशानी बताई। और सबसे बड़ा प्रमाण था कि हमारे बेटे को नेत्र मिल गए, इससे पहले वो देख नहीं पाता था। हमारे अंदर जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर गुरुदेव ने सिर्फ तीन दफे ओम नमः शिवाय कहलवा के खत्म कर दिए वो सारी दिक्कतें हमारी। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ लोग आ रहे हैं। वी लिव इन मेम्फिस। मैं US में रहती हूँ। मेरी बेटी का मानसिक विकास नहीं हो रहा है। मुझे मेरे दोस्त ने इसके बारे में जानकारी दी। अगली बार जब हम वापस आएंगे तो एक और बार हवन करा लेंगे। हर दिन यहाँ बैठक होती है। हथियार बंद गार्डों से घिरे बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया कुछ इस तरह से लोगों से मिलते हैं। सब बार 3 वोल्ट से सारी सूजन बाहर, 2-3 सब नश करके सिर पाँव खिला दिए। चलिए फिर घुटने कम नए हो गए, स्पाइन आपकी नहीं हो गई, अब आप चलिए फिर यहाँ पर उठिए बैठिए चेक करिए फिर बताइए। माँ कामाख्या और गुरु राधारमण मिश्र के दरबार में बाबा से मिलने के लिए 5100 रुपए का टोकन लगता है। फिर आप बाबा को माइक पर अपनी परेशानी बता सकते हैं। जब हमारी रिपोर्टर ने तकलीफें दूर करने के दावे पर बाबा से सवाल किया तो कुछ इस तरह से उन्होंने अजीब सा तर्क दिया। मेडिकल साइंस की हम एक तरफ बात करते हैं और एक तरफ हम वैदिक साइंस की, दोनों में किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। मेडिकल साइंस शरीर की चिकित्सा करता है केवल, ये दरबार मन की भी चिकित्सा साथ में करता है। इसीलिए आप देखते हो यहाँ पे खड़े खड़े पागल भी ठीक होता है ना? खड़े खड़े व्यक्ति पागल ठीक होता, डिप्रेशन एक दिन में ठीक होता, आपने देखा है। जो दिखाई नहीं देता उनको दिखाई देने लगता है। वो तो वैदिक परंपरा का अनुपालन किया उन्होंने, स्वस्थ होना ही पक्का है। आश्रम में हर दिन 4 से 5 हजार लोग आते हैं। यहाँ उन्हें 100-100 रुपए रजिस्ट्रेशन अर्जी और बंधन के देना होते हैं, जिसमें 3500 रुपए की सिद्ध की हुई हवन सामग्री देकर उन्हें भेज दिया जाता है। किसी मेन्यू की तरह आपके सामने हवन पूजा के ऑप्शन होते हैं। फिर 3 प्रकार से यहाँ तंत्र के द्वारा परेशानियों को दूर करने का दावा किया जाता है। पहली क्रिया में 9 दिन यहीं रुककर हवन पूजन करना होता है, जिसका खर्च 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का होता है। दूसरी क्रिया में जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं वो नमन क्रिया अपना कर 21 शनिवार और 7 अमावस्या दरबार में आकर हाजिरी देते हैं। तीसरी क्रिया में कम वक्त में सारी परेशानी दूर करने के लिए 1 दिन में ही सारी पूजा की जाती है, जिसका खर्च 2,00,000 में है। आगे की प्रक्रिया यह है कि मैं इसके लिए वन डे का वर्क करवाऊंगी, जिसमें करीबन 1.5 लाख से 2 लाख का खर्च है, जो आज मैं जा रही हूँ और पैसे का इंतजाम करके 1 हफ्ते इसका वन डे हवन करवाऊंगी। प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया बाबा बनने से पहले कानपुर के सिविल लाइन्स में डिप्रेशन और जॉइंट पेन के मरीजों का इलाज करते थे। एकाएक 3 सालों में एक छोटा सा मंदिर 14 एकड़ के धाम में तब्दील हो गया। आज 17 देशों में उनके भक्त फैले हुए हैं, अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। बाबा के बेटे लव और कुश ही पूरे आश्रम को मैनेज करते हैं। हाल ही में बाबा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर हॉस्पिटल से हवन करके आए हैं। क्रिया से इलाज को लेकर हमने डॉक्टर से बात की। वो साइकोलॉजिकल वीकनेस की वजह से पेशेंट फील कर रहा होता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं कर रहा, तो उनको एक वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है। और इमोशनली जिनको लोगों को सोशल सपोर्ट नहीं मिली होती, फैमिली सपोर्ट नहीं मिली होती, उन लोगों को वो बाबा लोग की सपोर्ट मिल जाती है, जिससे उनको उनकी थोड़ी सी फिजिकल खाना पीना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है, और जिसको वो चमत्कार बताकर और लोगों को पीछे लगा ले। भारत में ऐसे कई दरबार और आश्रम हैं
जो बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में बनी अरबों की संपत्ति और इलाज का तरीका कई सवालों को खड़ा करता है।